समाजवादी पार्टी और अलौद गठबंधन की पहली रैली आज मेरठ के दबदबा में होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से एक साथ पहुंचेंगे। बता दें कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए दोनों दलों के पदाधिकारी 3 दिनों से मेरठ में ही डेरा जमाए हुए हैं। तो अखिलेश जयंत की गठबंधन के साथ पहली रैली है। मेरठ दौरे पर दोनों नेता रहने वाले हैं और आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस रैली को लेकर 3 दिन पहले से ही हमने देखा कि चाहे वो आरएलडी हो या फिर सपा हो, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए थे। 3 दिन से ही यहां पर पूरा माहौल बनाया जा रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, उसी वक्त की है। और आज जयंत चौधरी अखिलेश यादव संयुक्त रूप से एक ही स्टेज से एक ही मंच से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे, जिसको लेकर तमाम निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अगर देखा जाए तो बहुत समय पहले ही रालोद गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होता हुआ नजर आ गया था, लेकिन रैली नहीं हो पाई थी और आज ये पहली रैली है इस गठबंधन की। तो समाजवादी पार्टी और अलग गठबंधन पर पहली रैली आज होने जा रही है मेरठ के दबदबा में। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रिहान मेरे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। रिहान, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसी तैयारियां आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ? बहुत ज्यादा संख्या में जो सपा कार्यकर्ता है, एलडी कार्यकर्ता है, वो पहुंचे हुए हैं। जी मैम, आपको मैं बता दूं कि ये जो सपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद में पहली संयुक्त रैली की जा रही है, इस रैली के बाद में समीकरण यही लगाए जा रहे हैं, संदेश यही देना चाह रहे हैं कि जो पश्चिम में ये रैली है, ये परिवर्तन की रैली है। और जो 2014 में जाट मुस्लिम दंगा हुआ था, उस सबको बुलाकर एक मंच पर जिन सब लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस रैली में जो भीड़ है उसको लाखों में आने की उम्मीद है, क्योंकि ये रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बाद में पहली रैली ऐसी है जिसके बाद में कहीं ना कहीं पश्चिम के समीकरण अब बदलने वाले हैं। बिल्कुल रेहान, यानी कहा जा सकता है कि ये पहली रैली, और पहली रैली में गठबंधन की इतनी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी चिंतित हो सकती है। जी बिल्कुल, इससे बीजेपी चिंतित हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद में जिस तरीके से किसान जो वोटर है वो बीजेपी से कटा है, और तो बीजेपी से कटने के बाद उसको सीधा सीधा फायदा आरएलडी का पहुंच रहा है, और इसी को देखते हैं कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल रेहान, अगर रूट डायवर्जन की हम बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर रूट भी डायवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा था कि इसमें लाखों की संख्या में जो समर्थक है वो पहुंच सकते हैं, आसपास के गांव की जो भीड़ है वो भी पहुंच सकती है। जी मैं आपको बता दूं, ये रैली का जो आयोजन किया गया है मेरठ करनाल हाईवे पर ही किया गया है, और यहाँ रूट डायवर्जन करने के लिए जो लोकल के रास्ते हैं, छोटे रास्ते, गंगनहर की पटरी है या मेरठ से सरधना होते हुए जो लोकल रास्ते निकलते हैं करनाल हाईवे को जोड़ते हैं, उन्हीं के थ्रू रोड डाइवर्जन किया है, और वहीं से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। और अभी तक जो भीड़ है और लगभग मैदान पूरा फट चुका है। बिल्कुल रेहान, और आपके पीछे जो काफिला है वो आना शुरू हो गया है, जो वहाँ पर अधिकारी है, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछिए किस तरह का जो खुशी है, किस तरह का उमंग इन सबके बीच? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कल से ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार पांच दिन से नरेश पटेल रैली स्थल पर डटे हुए हैं, और रालोद के भी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद 5 दिन से लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और जो उत्साह यहाँ देख सकते हैं नौजवानों का भी उत्साह है, काफी संख्या में नौजवान यहाँ पहुंच रहे हैं। और जी बिल्कुल रेहान, देखा जाए तो ये पहली रैली है, तो ऐसे में ये बहुत मायने रखती है। इसके अलावा देखा जाए तो सपा लगातार ये कह रहे हैं कि सपा खुले तौर पर मंच तैयार है, जिसको भी आना है।